जालौर के अंदर हाल ही में सुराणा की घटना ने पूरे देश भर के अंदर आक्रोश देखने को मिला था। इस घटना को लेकर सियासत अभी तक थमी नहीं होगी कि जालौर से एक और बड़ी घटना सामने आ रही है। भीम आर्मी के प्रमुख आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने ट्विटर के माध्यम से ट्वीट करके सरकार को इस मामले में संज्ञान लेने की खबर ये आ रही है कि राजस्थान के जालौर के अंदर, आपको बता दें कि जो सायला तहसील है उसके गांव चोराऊ में एक दलित युवक की पेड़ से लटकी हुई लाश मिली है। अब पुलिस को यह गुत्थी सुलझानी है क्योंकि पीड़ित परिवार का आरोप है कि युवक को मारकर लटका दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि कुछ लोगों का कहना है कि आत्महत्या है, लेकिन जो भी हो इस मामले को लेकर पुलिस पर एक बार फिर से करारा दबाव देखने को मिला। इस मामले को लेकर भीम आर्मी के प्रमुख आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने अपने ट्विटर हैंडल से लिखा है, राजस्थान में जातिवाद बन गया आतंकवाद। इंद्र मेघवाल जितेंद्र हत्याकांड के बाद अब जालौर जिले की सायला तहसील के गांव चोराऊ में दलित युवक की हत्या कर उसका पेड़ लटकाया गया है, पेड़ पर शव लटकाया गया है। मुख्यमंत्री जी, अभी और कितनी हत्याओं के बाद आपकी नींद खुलेगी, इसका जवाब दीजिए। तो ये आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद ने लिखा है। इस मामले को लेकर पुलिस का क्या कुछ कहना है वो हम आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले में ट्वीट करके जानकारी दी है कि पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर उपस्थित है। परिजनों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर धारा 302 IPSC और SC ST एक्ट के अंतर्गत मुकदमा है वो दर्ज कर लिया गया है और मौके पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं आपको बताने की कोशिश करें तो इस घटनाक्रम के सामने आने के बाद जो लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला, इस मामले में सामाजिक संगठनों के नेताओं का क्या कुछ कहना आपको सुनो। साथियों, आए दिन राजस्थान में दिनों दिन दलितों पर अत्याचार बढ़ गया है और अभी इस महीने के अंदर लगातार तीसरी घटना है। आज हमारे भाई सावला राम जी है जो निर्मल अत्याचार के लटका दिया गया है, तो मैं और पूरा बहुजन समाज और मेरे साथ में मेरे भाई गिरिराज जी, हम कुछ ही समय में जालौर छोराऊ पहुंचने वाले हैं। जय भीम, गिरिराज जी कुछ बोलेंगे। राजस्थान में दलित अत्याचार बढ़ता जा रहा है। जितेंद्र मेघवाल और इंद्र मेघवाल की घटना अभी शांत नहीं हुई। इससे पहले सावला राम की हत्या हुई है सुराणा से मात्र 3 किलोमीटर दूर। ये घटना बहुत दिल दहलाने वाली है और हम इस घटना को लेकर जो है सायला पहुंच रहे हैं। तब तक आप सबसे अपील है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे और इस घटना का विरोध करें। धन्यवाद।